कम बैक माई चैनल लिली ग्री ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी हमारे घर में स्वस्थ और मस्त हैं। तो चलिए आज किचन में ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बने रहे वीडियो पर। आज लेट भी हो गया है, और वैसे तो अभी जो सर्दी के मौसम पर तो लेट ही होता है। तो बने रहे वीडियो पर। क्या क्या होता है दिन भर में मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग में। ओके चलिए। तो ये देखिए, मैं मतलब नहाने के बाद ही, ये हमारा था मलाई, मलाई को निकाल रही थी। जो हमारा कल का जो था दूध रह गया था, फ्रिज में रख देती तो फ्रिज में तो मलाई ऊपर से ही जम जाता है अच्छी तरह से, तो उसको अगले दिन निकालना बहुत ही इजी होता है। तो ये दूध को मैं छान रही थी। मैं जब भी दूध को रखती हूँ ना, जो गांव की गाय वाला दूध है गांव में, तो उसको मैं अच्छी तरह से छन्नी से छानती हूँ। छानने के बाद ही गर्म करती हूँ, नहीं तो कहीं जो गाय की जो बाल होता है ना, वही भी होता है। और ये देखिए मलाई दिखा रही थी। उसके बाद मैं एक किचन के एक चूल्हा पर मैं चावल बेलूँगी, और दूसरे चावल मतलब चूल्हा पर मैं बनाऊंगी सब्जी वगैरह बनाऊंगी। ऐसा होगा, जल्दी जल्दी से मुझे काम ख़त्म करना होता है। और आज भी मैं मेडिकल भी जाना था ना, मुझे जल्दी काम ख़त्म करने के ही बाद ही जाना था। तो ऐसा जल्दी जल्दी में ही मैं काम कर रही थी। तो आगे बने रहिए वीडियो पर, क्या क्या है देख लीजिए। ये और आलू और फूल गोभी की मैं सब्जी बनाने वाली थी, तो इसको पहले फ्राई कर रही थी। और उसके बाद भी जो कभी कभार मैं ऐसे मसाला डालकर भी बना लेती हूँ, कभी कभार पहले फ्राई करती हूँ, जो कि हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल का उस टाइप का करती हूँ। और एक ये देखिए पुई साग है। पुई साग को मैं जो कढ़ाई में करती हूँ तो थोड़ा लेट लगता, तो मैं सोची आज मैं उसको प्रेशर कुकर में ही प्रेशर लगा दूँगी, कुकर में ही कर दूँगी, तो जल्दी ही होगा, मुझे टाइम भी बच जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसीलिए वो जो पुई पत्ते और उसका डेंठल वो सब था, और आलू वो मिलाकर ही मैं उसको पहले बॉयल होने के मतलब कुकर में दे दी हूँ दो सीटी आने तक। ये देखिए फ्राई हो रहा था। उसके बाद मैं तेल दे दी थी, और मैं जितने कम तेल में हो सकता है मैं करती हूँ, ज़्यादा तेल में नहीं करती हूँ। तो ये देखिए मसाला भी भुन रही थी। मसाला जो भुनने के बाद ही तो होगा। ये मैं प्याज को पहले भून लिया, उसके बाद मसाले पाउडर और हमारा अदरक लहसुन के पाउडर में ही मैं बना रही थी। देखिए टमाटर भी डाल दी हूँ। तो ये देखिए मसाला बन रहा था। मैं ऐसे कभी कभार जो मन करता है वही उसी टाइप का करती हूँ। दाल भी नहीं बनाई थी आज, और धूप में बैठ कर ही, इधर पटिया में हमारा सुबह सुबह जो धूप आता है बैठ कर काम करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे टाइम की शॉर्टेज पे वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये गवार फली उसको मैं कट कर रही थी बेटी का। तो ऐसे मैं करती तो नहीं खाती, तो मैं जो चावल पाउडर के साथ भी उसको मैं भाजी बनाऊँगी, वो खाएगी। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, देख लीजिए आप, हैंकी टक करो। क्या हैंकी टक करूँगी रोज़ मतलब हमेशा। तो ये देखिए हैंकी टक करती हूँ, और किचन में काम भी हो रहा है। और ये मैं चिल्ला बना रही थी चावल पाउडर और आटा के साथ ही मैं बना रही थी सुबह सुबह नाश्ता के लिए। और सब्जी जो बनाती हूँ उसी सब्जी से ही खा लेती हूँ। अभी तो सर्दी हो रहा है तो नहीं, दही नहीं खाऊँगी, नहीं तो सर्दी हो जाएगा। तो ये देखिए चिल्ला बना रही थी, इधर चावल मेरा बन रहा था। और चावल पाउडर और आटे के साथ चिल्ला बनाओ ना, बहुत ही अच्छी तरह से होता है। मतलब जितना पतला हो गया आप उतना पतला कर सकते हो, नाखून जैसा भी पतला भी कर सकते हो, लेकिन चावल पाउडर थोड़ा सा मिलाना चाहिए। मतलब हम चार भाग से एक भाग चावल पाउडर मिलाना है। और इधर मैं दिखा रही थी, मतलब देख क्या बनाऊंगी, मुझे टाइम भी अभी नहीं हो रहा ना, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ मैं। मुझे इधर कपड़ा लगाना था, तो देखती हूँ कब लगाऊंगी, क्या करूँगी, धीरे धीरे से करूँगी। तो अभी बेटी आई है तो वो करना पड़ेगा, तो हम मेडिकल जा रहे थे, देख लीजिए।
पूजा थिला से तब ना तो देख लीजिए हम जा रहे हैं मेडिकल। तो ये देखिए मेडिकल, हम मेडिकल पहुंच गए और दिखा भी लिए हैं डॉक्टर को। और अभी ना हमारे जो डॉक्टर को हम दिखाए थे वो डॉक्टर ना बहुत ही कम एज की थी, लेडीज ने मतलब लगभग होगा 26 या 27 होगा। मुझे वो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा, लेडीज है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो बहुत मतलब केयरिंग और बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था आप जो कोली साड़ी पहनो, हमारा इधर नहीं चलता है तो मैं नहीं पहनती हूँ, बार बार ऐसे कमेंट करते हैं ना मुझे। कभी कभी मैं क्या करूँ, जो हम नहीं करते हैं वही टाइप का हम कैसे करेंगे भाई। तो फिर भी आज मैं आपका जो रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ। देखिए मैं जो साड़ी पहनी हूँ उसी साड़ी को ही मैं कन्वर्ट करके ही करी हूँ। तो इधर पानी के लिए मैं पानी निकालने के लिए मैं पाइप लगा रही थी। तो ये चलिए बागान में भी काम करेंगे, तो देख लीजिए, साथ दीजिए। लेकिन मेरा वीडियो भी वायरल होना चाहिए, मैं देखती हूँ। आप बार बार बोल रहे हो जो धोती स्टाइल करो, काम वाली करो, मैं देखती हूँ आज का ब्लॉग कितना वायरल होता है। आप इतना बोलते हो इतना मुझे जैसे कि धमकी देना जैसे दे रहे हो, तो मैं देखती हूँ कितना जाता है मेरा वीडियो। तो ये मैं ना जो हमारा बीन्स की मंजी में मतलब मंजी सरी में हमारे उड़िया में बोल रही थी, हमारा बीन्स की जो बीज लगा रही थी इधर। तो ऐसे होता है मेरा बागान से मेरे फार्मिंग ऐसे होता है, कभी कभी उड़िया भी निकल रहा है। मैं ऐसे मैं करती हूँ और मतलब कैसे काम करते जाती हूँ, कब क्या करती हूँ, सब ऐसे मैं मैनेज करती हूँ। मेरे घर बाहर सबको देखती हूँ, बच्ची हस्बैंड सबको ऐसे मुझे देखना पड़ता है। तो सारे तो लगा दी हूँ, कुछ बच गया तो उसको कहाँ लगाऊंगी वही सोच रही थी, इधर उधर कहाँ लगा दूंगी तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मतलब सारे जो है ना, जो बीज बच गया था सारे लगा दूंगी तो कुछ तो ना कुछ होगा। और अभी तो साग भी मतलब बड़ा हुआ है, मैं दिखाऊंगी आपको किसी दिन। तो ऐसे रिक्वेस्ट क्यों करते हो जो कि हम कभी कभार करेंगे। तो ये देखिए मैं बनाई थी साग, पुई साग और आलू, और ये बैंगन की भाजी, और ये है सब्जी, और ये गोबर खली की भाजी। और आज की हमारा ये था लंच, पापड़, गोबर खली भाजी, आलू गोभी सब्जी, पुई साग ऐसा है। उसके बाद हम तो खाना खा लिए थे, उसके बाद थोड़े मेरा तो दिन में रेस्ट करना होता है, मुझे रेस्ट नहीं करूँगी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी देर रेस्ट करी, रेस्ट करने के बाद ही मैं उठने के बाद चाय पी ली। चाय पी के मैं पानी दे दी बागान में। तो रोज़ क्या दिखाऊंगी, सो इसलिए मैं नहीं दिखाई, जब जहाँ जाती हूँ वही टाइप का मैं वीडियो बनाती हूँ। तो साथ देते रहिए। तो स्पेशल क्या तेजा कुमार तो देख लीजिए। तो ये कपड़े सारे जो काल में धोई थी उसको फोल्ड कर रही थी, बेटी भी हेल्प कर रही थी, बहुत सारे कपड़े हो गया था ना उसको बेटी भी हेल्प कर रही थी। तो बाहर देखिए अभी सर्दी मतलब ठंड लग रहा है, तो वो शॉल ओढ़ के ही बैठी है। और ऐसा हुआ तो चलिए आज का ब्लॉग उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।